मिस्टर कहिया, मैंने आपसे कहा था कि कागजात तैयार हो जाए तो मेरे परिवार में से किसी को मत दिखाइएगा, फिर वो कागजात आपने मेरे बेटे अबीर को। माँ, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अबीर, अबीर, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ कुहू का किया धरा है। उसके मन में बहुत लालच है, मैं उसके पास नहीं गई थी, वो खुद मेरे पास आई थी। मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, कुहू का नाम भी नहीं लिया मैंने, आप पहले से ही सफाई देने लगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अच्छा, तो फिर वो जो लॉयर के पास मैंने पेपर्स देखे उनका क्या? तो कुणाल और कुहू मेरे बेटे बहू है, प्रॉपर्टी पर उनका भी हक है, अगर गिफ्ट में मैंने उन्हें कुछ दिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है? सोच समझ के कहिए माँ, अब क्या कहना चाहती हैं, कहीं आपका झूठ पकड़ा ना जाए। माँ, माँ, कुहू पहले से बेटर, डॉक्टर ने कहा है टेंशन की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा आराम करना है। और भाई, कुहू ने जो कुछ भी कहा उससे आपको तसल्ली तो हुई नहीं होगी, लेकिन एक बात मैं लास्ट टाइम क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे आपकी बेबी के बदले कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं। तुम इतना फ्राउन क्यों कर रहे हो? अभी मैं बेटा फील कर रही हूं। कुणाल, अबीर को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है और मैं नहीं चाहती कि वो गलत फहमी हम दोनों के बीच आए। कुणाल, तुम माँ से बात करो, मैं आती हूँ। अभी जो भी कह रहा है फायदा डील, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या क्या बोल रहा है। मेरे लिए ये अबीर की संतान है, कोई बिजनेस डील नहीं जो मैं। आई नो यू माँ, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं, आप जो करती हैं सही करती हैं। तुम मेरे साथ हो ना? माँ और कुणाल दोनों मेरे साथ हैं, मैं भी ना बेकार में नर्वस होती रहती हूँ। प्रो ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, अब तो अकेले में इंसल्ट करने आई है। मैं तुझसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि माँ ने तुझे सरू के इसी किले किसी भी तरह से फोर्स किया था? इन हाथों से मैंने कुणाल के हिस्से के लिए सारे कागजात बनवाए हैं और इन हाथों से ही ये कागजात फाड़कर फेंक सकती हूँ। अपना असली वारिस पाने के लिए मैंने क्या किया ये तुम देख चुकी हो। तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, पर साथ सिर्फ तुम देते हो, काश कि अबीर भी देता। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, पर साथ सिर्फ तुम देते हो, काश कि अबीर भी देता। हैशटैग अपना टॉर्चर अपने पास रख, तेरे और ब्रो के लिए तो वही सच है जो तुम लोग सुनना चाहते हो। सच वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं कुण, जो माँ ने कुणाल के नाम किए हैं। बड़ा सच सच की रट लगा रही थी, अब देख खुद ही सच बोल दिया ना। तुम और ब्रो इनसिक्योर हो रहे हो ना, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे नाम हो रही है ना। को चलो कुणाल, वन मिनट, डॉक्टर ने कुहू को इतनी देर वॉक करने के लिए मना किया, चलो को। मैं कितनी लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। कौन किसके साथ है तो बाद में पता चल ही जाएगा। I mean, ये बेबी जब अपने रियल पेरेंट्स के पास जाएगा तभी तो हम दोनों सच में साथ होंगे ना।
महेश्वरी परिवार की बेटियां आखिर मेरे और मेरे बेटों के बीच आ ही गई। अभी कुणाल अबीर से नाराज है, पर अगर कुहू ने उसके आगे कुछ बोल दिया तो? बिंबा, अबीर ने आज जो कुछ कहा उस पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल ये मान पाना कि क्या अबीर झूठ बोल सकता है। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ पारो? नहीं बिंबा, मेरा मतलब ये नहीं था। अबीर और मेरे रिश्तों में तो पहले ही दरार आ गई है, पर अब मेरे और आपके बीच में भी दरार आ चुकी है। खैर, मैं अपने दर्द को तो सहन कर लूंगी, लेकिन अपने दोनों बेटों के दर्द को मैं नहीं सह पाऊंगी। दुनिया मेरे दोनों बेटों की मिसाल देती थी, लेकिन जब से ये मिष्टी और कुहू हमारे परिवार में आई है, दोनों भाइयों में फूट पड़ गई है। नानको, थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं क्या? भाई बाद में बात करते हैं, प्लीज। कुणाल, तुमने ब्रो से बात करने से इनकार कर दिया, वो मुझ पर शक कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरे साथ खड़े हो। I love you कुणाल। कुहू, इस घर में तुम्हें कोई नहीं समझता। तुम कितना भी ट्राई कर लो, भाई मिष्टी सब तुम्हें ही ब्लेम करते रहते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि डिलीवरी के बाद हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। क्या? हाँ, पहले भी तो हमने यही सोचा था ना, पर पता नहीं सबको घर में ऐसा लग रहा है कि तुमने इस बेबी के बदले माँ से कोई डील की है। एनीवेज, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे इस फैसले के बाद ना सबकी बोलती बंद हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दिखा दूंगा कि तुम कितनी अच्छी हो। तुमने जो कुछ भी किया ना कहू, वो फैमिली के लिए किया, इस फैमिली की खुशियों के लिए किया। हमें इस घर और बिजनेस से कुछ भी नहीं चाहिए। वो सब तो ठीक है कुणाल, पर कहू मैं रोज रोज तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। बिल्कुल भी नहीं, हम शिफ्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। कुणाल, नई जगह जाएंगे, नई शुरुआत करेंगे। हमें जानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हमें स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, पर अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तुम मेरे साथ हो ना को? नहीं, मेरा मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ कुणाल, पर हम ऐसे सब कुछ छोड़ के, मेरा मतलब है सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते ना। पर तुम ही तो कहती रहती हो ना कि मेरे अलावा तुम्हारा इस घर में कोई भी ध्यान नहीं रखता, स्पेशली भाई और मिष्टी, तो हम उनके साथ क्यों रहें? पर वो लोग कुणाल हमारी फैमिली है, हैशटैग अपने हैं, है ना? अपने तो हैं, पर हमें अपना समझते कहाँ? कुहू, अगर वो हमें अपना समझते तो तुम्हें इतनी बैडली थोड़ी ना ट्रीट करते। एनीवेज, उनका ये बेबी, ये घर, ये फैमिली बिजनेस, सब उन्हें मुबारक हो। मैं लॉर्ड को फोन कर रहा हूँ। कुणाल, पर अभी बहुत देर हो गई है। कुहू, मैं ऑलरेडी बहुत देर कर चुका हूँ। कुहू, तुम कितनी अच्छी हो, तुम खुद इतनी परेशान हो, लेकिन तुम मुझे अपनी फैमिली से दूर नहीं करना चाहती। लेकिन अब मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं होने दूंगा। मैं फोन करता हूँ। हेलो कुणाल, स्टॉप इट कुणाल। हेलो, सॉरी सर, मैं आपको इतनी रात को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रॉपर्टी का सारा शेयर जो भी है आप ट्रांसफर कर। कुणाल, फोन रखो। मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ भाई और माँ के नाम ट्रांसफर। स्टॉप इट, मैं तुम्हें अपने सारे फंड्स वेस्ट नहीं करने दूंगी। मैं सरोगेट बनी मैंने मॉडलिंग के लिए ना कहा, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें इस कंपनी में, इस घर में तुम्हारा हक, तुम्हारा हिस्सा दिलवा सकूं। तुम ये सब कुछ रिजर्व करते 50 लाख की एफडी, और इस बेबी के बदले मैंने माँ से जो कुछ भी मांगा तुम्हारे लिए, वो सब कुछ। इसलिए तुमने सरोगेसी के लिए हाँ की? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।